বর্তমান পুয়া 7 বাজিছে আৰু 12 বাজি 5 মিনিটত ঠিক দুপৰিয়া হোৱাৰ লগে লগে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰম্ভ হ'ব 12 বাজি 5 মিনিটৰ পৰা কি বিশেষ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী আছে মাছত আমি কৈছোঁ কেইটামান ঘণ্টা আৰু এই বিৰল ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সকলো সাজু হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ সকলোৱে সুন্দৰ ৰূপত সাজি কাছে ওলাইছে আজিৰ এই দিনটোৰ বাবে সাঁচ মে যাতি হে কিয়ংকে ইতনি উৰ্জা হে ইয়াহাঁ পৰ ইতনা লোক ইতনে খুশ হে ইতনা উন্মাদ হে ইতনি এক লহৰ হে ভক্তি কি ইস ৱক্ত অৰ অৰ এক বহুত উৎসুকতা হে লোগো মে কি লালা 500 সাল কে বনবাস কে বাদ ৱাপস অযোধ্যা আ ৰহে হে অৰ বহুত খুবসূৰত মাহল ভি হে কিয়ংকে মুঝে লগতা হে ঈশ্বৰ নে হমেশা ৰাম ভগৱান নে হমেশা জোড়া হে দেশ কো লোগো কো কুনবো কো সমাজো কো হমেশা জোড়া হে শবরি কে বেৰ খাকৰ ভি ট্রাইবল লোগ কো উন্হোনে আপনে সাথ মে জোড় দিয়া রাম জি নে তো ইসি তরহ রাম জি ইস ওয়াক্ত হর সমাজ হর ধর্ম কে উত্তর কে দক্ষিণ কে পূর্ব পশ্চিম কে লোগো কো জোড় রহে হ্যাঁ এক রাষ্ট্র পর্ব হো রা এক বিশ্ব পর্ব হো রা জিসমে হম রামলল্লা কে অযোধ্যা বাপস আনে কো সেলিব্রেট কর রহে হ্যাঁ করোড়ো দিলো মে দিওয়ালি হো রহি হ্যাঁ লেকিন এক তবকা হ্যায় জো ইস পুরে ধার্মিক আয়োজন কো রাজনৈতিক আয়োজন কর রহা হ্যায় কি ইস সব কুছ রাজনীতি वो सिर्फ एक राजनीतिक तबका है जो ये सारी बातें कर रहा है मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी को कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है आम आदमी तो बहुत खुश है आज मैं जब अयोध्या में शहर में गया था तो इतने यंग लोगों से मिला बातें की जहां बेरोजगारी थी वहां पे आज एक लड़का सिर्फ चाय बेच रहा है तो इतने लोग आ रहे हैं पर्यटक इतने हो गए हैं अयोध्या की एक्साइटमेंट इतनी हो गई है कि वो दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा है चाय बेच के सिर्फ जहाँ पे ज़मीन की वैल्यू 2,000 रुपये स्क्वायर फुट नहीं थी आज 10,000 रुपये स्क्वायर फुट हो गई है तो कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक लाभ हुआ है एक नैतिक लाभ हुआ है धार्मिक लाभ हुआ है लेकिन आर्थिक लाभ भी हुआ है व्यवसाय बहुत बड़ा है लोगों का और पूरे देश में ये बढ़ता जाएगा और रामायण सर्किट का जो एक टूरिज्म होगा जो मोदी जी इस वक्त कर रहे हैं जो आदि शंकराचार्य जी ने किया था 1,000 साल पहले जहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ा था खुद चल के स्वयं चल के और जो मोदी जी अब कर रहे हैं कि राम जी जहां जहां गए हैं जहां जहां बड़े बड़े मंदिर रहे हैं राम जी के उन सब जगह मोदी जी भी जा रहे हैं तो लोग इससे प्रेरणा लेंगे देश विदेश के लोग आएंगे और रामायण टूरिज्म करेंगे रामायण सर्किट करेंगे और इससे पूरे देश में संभावना भी बढ़ेगी और व्यवसाय भी बढ़ेगा जो हम बात कर रहे हैं तो एक सर्कल होगी और जो इतने दिनों से रामलला विराजमान थे वो आज संध्या आरती के बाद एक नई मंदिर में एक नए घर में प्रवेश कर रहे हैं बहुत खूबसूरत बात है मुझे लगता है कि हम राम जी को इतने अलग अलग रूप से देखते हैं जब मैं 5 साल का था और मेरी दादी मुझे राम जी की कहानियाँ सुनाया करती थी तो एक अलग रूप था राम जी का जब 10 साल को हुआ और मैं राम जी को रामायण में टीवी में देखा करता अरुण गोविल जी प्ले किया करते थे तो एक अलग रूप था जब 20 साल का हुआ जब 25 साल का हुआ जब पुत्र बना जब पिता बना तो हम राम जी को अपनी उम्र अनुसार अलग तरीके से देखते जाते हैं अलग अलग रूप से देखते जाते हैं अलग अलग उनसे प्रेरणा लेते हैं अपने स्टेज ऑफ लाइफ के अनुसार तो मुझे लगता है कि जो बाल रूप है वो बहुत प्यारा बहुत इनोसेंट बहुत मासूमियत वाला रूप है उसमें बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए और मैं चाहता हूं कि एक या दो नहीं राम जी के कई रूप हम देखते रहें অভিনেতা বিবেক অবেরর এখানে ভাষ্য আর কৈছে যে ধার্মিক নৈতিক দিকরপা তো আমার বহু লাভ হবই আর্থিক দিকরপাও অযোধ্যাবাসীর লাভ হব।